ये जी अपशी ब्लैक के दुख रहे हैं, बिग लॉस दे दिया, मैं बिग न्यूज दे दिया। तो जी टूटा असल में ये चीज है, पूरा पूरा फ्रंट वाला ब्रैकेट बाहर आ चुका है, इतनी सी जगह पे लगा हुआ है। आप लोग खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम जो है जी अपने ताजमहल के शाही चूल्हे के ऊपर, जिसके ऊपर हम छोटे लोगों पाए जी चूल्हा चूल रहे हैं। और जी एक बात मैं जी आपको पहले बता दूं कि एज यू ऑल नो वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी ऑल विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश। और ये जी आपके भाई ने अपनी जिंदगी की सारी अंग्रेजी एक लाइन में बोलती है। और जी आज से हम कोई ब्रिटिश एक्सेंट या हम कोई अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बल्कि आज हम बोलेंगे जी भाई साहब मीरा स्टाइल इंग्लिश। अब जी एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, लेकिन डोंट टेक टेंशन स्मोक पेंसन, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो जी जैसे जैसे मैं इंग्लिश बोलूँगा मैं आपको साथ साथ भाई साहब ट्रांसलेशन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। सो टुडे डूइंग बट वट इज़ कि भाई साहब आज हम क्या क्या करने लगे हैं। तो जी जैसा कि आपको पता है कि अब जी रिटर्न्स कि अब जी वापस आ चुके हैं, और जब से अब जी वापस आए हैं तब से जी मैं अपशी ब्लैक बाहर निकाल रहा हूँ। अब जी अपशी ब्लैक एक ऐसी गाड़ी है कि जब उसको रिंग रोड पर लेके जाते हैं तो जी आपको जो पैर है ना वो एक्सीलेटर के पैडल के ऊपर जैसे ऑटोमेटिकली उसको जी नाप देता है, और जी आप फिर उड़ते उड़ते जाते हैं। उसके अलावा अपशी ब्लैक ऐसी गाड़ी है कि कोई आपको जी हल्की सी उंगल कर दें तो आप जिसको अपनी पूरी बाहर देने के लिए जी फीस उसके भागते हैं। तो जी कुछ इन वजूहत की जैसे फीलिंग दिस इज़ कि भाई साहब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरे एफसी ब्लैक के इंजन माउंट है दे आर चिलिंग विद शेरी किंग्स 2Z V69 others, कि भाई साहब मेरे इंजन के जो माउंट है वो भी शेरी किंग 2Z था चिल कर रहे हैं जी। और मून ऑन इट इज़ कि भाई साहब मून के ऊपर चांद के ऊपर भाई साहब चिल कर रहे हैं। तो जी आज हम नीचे जाके देखेंगे भाई साहब डाउन गो गो इज़ कि भाई साहब आज हम नीचे नीचे जाके देखेंगे एंड फास्ट फास्ट गो इज़ कि भाई साहब हम छेती छेती जाके देखेंगे कैप्सी ब्लैक वट वट इज़ कैप्सी ब्लैक को भाई साहब क्या क्या हुआ है। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी वर्कशॉप चलते हैं, वर्कशॉप बोलते अपने ग्राज चलते हैं और जिप्सी ब्लैक का जाकर जायजा करते हैं। और जी जैसा आप चेक करते हैं अपशी ब्लैक जी फुल टाइम अपने दो जिलों वाले कफन के दफन है। अब जी इससे पहले कि हम इसका कोई और जायजा जुजा करते हैं, ये जी कफन के नीचे से इसने भाई साहब बिग लॉस दे दिया, मैं एक बिग न्यूज़ दे दिया। ये जैसा चेक कर सकते हैं भाई साहब, ये जो हमारा पिछला टायर है इसमें भाई साहब हवा कम है। और जी जैसा आपको पता है इस वाला जो टायर का मसला था, जब हम ने RP1 से अपने टायर उतार के T37 पर लगाया था तो जो एक हमारी टायर की किनारी थी 195/45/15 वाले प्रोफाइल वाला जो टायर था उसकी किनारी हल्की सी डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से अब ये वाला जो टायर है ना ये कभी कभार लीक करने लग जाता है। और जी ये अभी कोई दो को दिन गाड़ी खड़ी रह गया, तो आप देख सकते हैं जी खुद भी कि हवा इसमें से काफ़ी सारी निकल चुकी है। तो भाई साहब सबसे पहले जी हम अपशी ब्लैक को लेके जाते हैं जी PSO के सर्विस स्टेशन के ऊपर, वहाँ जाके भाई साहब इसका ज़रा टायर का सिटी स्कैन करवाते हैं, उसको खुलवा के ज़रा इसकी यांत्रियां सही करवाते हैं अंदर से, देखते हैं कि भाई साहब क्या बनता हमारे टायर का। नहीं तो भाई साहब वेरी इजी हल, या पौधा देख रहे हैं जी इसके ऊपर भी हमारे सेम प्रोफाइल लगी हुई है 195/45/15 की, हमने भाई साहब पौधे वाली प्रोफाइल चुके जी अपनी गाड़ी को लगा देनी है। और जी अब हम मौसम के ऊपर आ जाएं तो जी आपने काफ़ी सारे गुणों की ना तस्वीरें देखे होंगे, वो ना धूप के अंदर ऐसे करके ना बड़ा सोना सा पोज मारते हैं और जी नीचे स्टेटस लगा देते हैं जी कैप्शन लिख देते हैं सन किस्ट। अब जी हम पाकिस्तानियों का पता नहीं मुँह ऐसा है कि हमारे मुँह का क्या मसला है जब हम धूप के अंदर ऐसे खड़े होते हैं ना ये देखें, हाँ हम भाई साहब सन सेलेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे भाई साहब धूप हमारे मुंह पर चिपड़े मारी हमारी आंखें तक नहीं खुलती, पता नहीं गोरों के ऊपर ना ऐसे लगता है जैसे ना धूप कोई वखरे एंगल से गिरती है उनकी जी, ऐसे करके सोनी सोनी तस्वीरें आती हैं। हम धूप के अंदर खड़े होते जी हमारी आंखें ऐसे करके बंद रहती हैं। तो ये बगैर गिलाशी को किए बगैर चलते हैं डायरेक्ट PSO के ऊपर और जी अपशी ब्लैक के टायरों का ना पंचर पुंचर लगवाते हैं। और जी अपशी ब्लैक हमने स्टार्ट कर खड़ी कर दी है जी। और जी अब शैगी चेक करें, शैगी विद सिगार फॉर यू विद टू चेन्स। और जी हमारी गाड़ी भी फिलहाल गर्म हो रही है क्योंकि जब फुल टाइम ठंडी ठंडी है। अभी जितनी देर गाड़ी गर्म हो रही है उतनी देर जो हमारे टायर में सवा काम है उसको थोड़ा बहुत फुल कर लेते हैं। ये हमारे पास जी फ्रेश कंप्रेसर फॉर यूर पड़ा हुआ जी काबली, और जी ये हम लगा के अपने टायर की मात्रा पूरी कर लें। ए ना हो कि अभी छोटा लॉस है बाद बिग लॉस हो जाए। तो ये भाई साहब कंप्रेसर लगाते हैं जी, हाँ ट्रांसप्लांट करते हैं अपने टायर का, खुल जाओ ये चेक करें जी फ्रेश कंप्रेसर फॉर यू। और जी जैसा आप चेक कर सकते हैं वह हमारे काम थे कोई 21 में थे, तो जी आइए इसको ज़रा पढ़ते हैं। और ये जी वहाँ हमने कर दी जी पूरे के पूरे 35 के ऊपर। अब जी मैं अपने टायर में 35 वहाँ रखता हूँ बिकॉज स्ट्रेच लाइफ एंड जाट लाइफ एंड हफ्शी लाइफ एंड श्रीका लाइफ स्टाइल। और ये जी हमने अपशी ब्लैक जी एक लत बाहर निकाल दी है और जी यहाँ पे लिविंग ऑन द एज वाला काम हो रहा है। ये देखिए जी पूरा जैक इतनी सी जगह पे लगा हुआ है,
और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरी किस्मत है ना हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन भाई साहब हम दुआ करेंगे नीचे सीच ना गिरे। अब जी टायर हमने वहाँ पे भेज दिया हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो आइए अपने टायर के पास चलते हैं और उसका हाल हवाल पूछते हैं जाके। ये जी हमारा सुपरस्टार फिर हमारे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसा कर ये जी जहाँ पे हमारा वेट लगा हुआ है ना, ये वेट की जैसे यहाँ से टायर की किनारी ली करती है। अब जी ताज जी ने वेट साहब उठा दिया है, अब जी बिग वैरायटी लगाएंगे, अब ये दोबारा लगाने लगे, दोबारा लगाने लगे, लगाओ जी। ये गैस हो गया, ये जी ने प्यार से किया ताज जी, गोता दो जरा इसको पानी के अंदर, ये देखे जी गोता दिया है और जी यहाँ पे काम टाइट हो गया फुल, वेरी नाइस। और जी जो हमें बिला वजह मसला मिल गया था टायर का वो हम हल करवा चुके हैं। अब जी अल्लाह का शुक्र है, ना हमारे टायर का मसला था, ना हमारे रिम का मसला था। मसला था वो सारा का सारा वेट का था, कि वो जब रिम की किनारे के प्रेस जाके जब बैठता था ना, तो उसकी वजह से जो टायर की किनारे थी वो रिम के ऊपर से इतना बैठ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से जो हमारा टायर था वो लीक करता था हवा। और जी वो मसला हमने अल्लाह का शुक्र सही करवा लिया, डोंट टेक टेंशन, फुल टाइम सस्ते में हो गया जी हमारा स्मोक बैंसन। अब जी हम आते हैं मेन मसले के ऊपर और वो है जी इसके इंजन माउंट्स के ऊपर। तो जी मैं आपको इंजन माउंट्स चेक करने का तरीका बताता हूँ। इंजन माउंट्स चेक करने के लिए भाई साहब दो आसान तरीके होते हैं, पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब जी सबसे पहला आपने काम ये करना है, आपने जी अपने गाड़ी का वर्ण खोल देना है, ताकि जो अगर आप गाड़ी चला चलू हैं तो जितने भी सेके सूखे हैं वो सारे बाहर आ जाएँ। और दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो है जी एक अदर जैक। अब जी आप कहेंगे भाई साहब क्या पागल वागल हो गए, गाड़ी हवा में चुकनी जो जैक ले आए हो, तो भाई साहब हमने गाड़ी हवा में नहीं चुकनी, बल्कि हमने अपना इंजन हवा में चुकना है। अब जी हमने करना क्या, जी हम जैक लेके हमने लगा देना अपने इंजन के नीचे, और जी इस तरह करके इंजन के नीचे आपने लगा देना है, और जी आपने जैक को घुमाना है, जिसकी वजह से आपका इंजन होगा वो जी ऊपर होगा। अब जी ऊपर होने से क्या होगा, तो जितने भी आपके जो इंजन माउंट्स हैं, जिस तरह ये हो गया सामने वाला ये हो गया और एक बैक वाला वो हो गया, उनके ऊपर भाई साहब लोड पड़ेगा, और अगर उसके अंदर रबर के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह होंगे वो आपको नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि आपका इंजन ऊपर होगा और उनके ऊपर लोड पड़ा होगा। और जी आप आराम से फ्लैश लाइट मार के जी आप चेक कर सकते हैं कि आपका माउंट जो है वो कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से नहीं टूटा हुआ, वेरी इजी। और जी अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब अपने इंजन माउंट चेक करने का दूसरा तरीका, क्योंकि पहला तरीका थोड़ा मेहनती वाला है, आपको जी इंजन के नीचे जैक लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे करके जी इंजन पूरा चुकना पड़ेगा वहाँ के अंदर, तो जी काफ़ी लोग मेरी तरह जी सुस्त होते हैं। तो जी दूसरा तरीका ये है कि आपको भाई साहब इसके अंदर चाहिए दो बंदे फुल टाइम टूसम के लिए, आपने जी एक बंदे को सामने खड़ा कर देना, आपने खुद जी गाड़ी के अंदर बैठ जाना, सबसे पहले आपने जी गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचनी है, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। मेरी चाबी कितने गई, चाबी रही है, हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। अब जी स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जी पहले गियर में गाड़ी डालनी है, और जी आपने एक्सेलेटर अपना इतना दबाना है और अपना क्लच इतना छोड़ना है कि आपकी गाड़ी आगे चलना चाहे लेकिन चल ना पाए, मतलब कि आपका जितना भी लोड हो वो सारा का सारा आपके इंजन के ऊपर आए और जी आपका इंजन ऊपर की तरफ उठे। आपको मैं एग्जांपल अभी करके दिखाता हूं। तो जी गाड़ी पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं गाड़ी हमारी फुल टाइम फर्स्ट स्टार्ट हो गई है। अब जी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, ये हमने डाली पहले गियर के अंदर गाड़ी, और जी ये ऐसे करना है आपने इंजन की तरफ ध्यान दें, आपको नजर आएगा कि जब मैं ऐसे करूंगा तो आपका इंजन ऊपर उठेगा, ये आप देख रहे हैं इंजन हमारा ऊपर उठ की तरफ उठ रहा है। और जी अगर इस तरह करने के ऊपर आपका इंजन नॉर्मली से ज्यादा उठता है और जी ऊपर जाके छत में जाके बज जाता है, या फिर आपको ऐसे करने के ऊपर टक टक की आवाजें आती हैं दुगड़ी की तरह, तो इसका मतलब है आपके जो इंजन माउंट्स हैं वो जी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जी फुल टाइम सेवन अप हो चुके हैं। और जी इंजन के नीचे मैंने जैक लगा के उसको उठा दिया, तो आइए भाई साहब इंस्पेक्शन का आगाज करते हैं, फुल टाइम सीएडी बन जाते हैं। तो जी सबसे पहला माउंट आ गया ये, जैसा आप चेक कर सकते हैं ये वाला माउंट सही सलामत है। उसके बाद हम आते हैं इस दूसरे माउंट के ऊपर, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है सही सलामत है। उसके बाद हम जरा पीछे वाले माउंट के ऊपर जाएं, तो जी वो भी सही सलामत है। अब जी हम फ्रंट मेन माउंट के ऊपर आएँ, तो जी उसका गिरा करते हैं, तो जी ये चेक करें ये भी सही सलामत है। भाई साहब टूटा क्या है फिर, तो जी टूटा असल में ये चीज़ है, ये देखें जी ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, भाई साहब एक बोल्ट लगा हुआ है ये वाला यहाँ पे, ये ठीक है जी, बोल्ट आपको नज़र आ गया। अब जी बोल्ट के आगे देखें, बोल्ट के आगे कुछ भी नहीं है जी, बोल्ट टूटा हुआ है ये देख रहे हैं जी ये चीज़, ये जी मेन बोल्ट ही टूट गया, ये जी पूरा इंजन का जो ब्रैकेट है ना ये वाला, इसका जो मेन बोल्ट है भाई साहब वो टूटा, उसका है जो हेड है वो भाई साहब टूट गया, और उसकी वजह से जी हमें टक टक टूक टूक छूक छूक की आवाज़ें आ गई। तो भाई साहब इसको सही करने के लिए हमें भाई साहब ये पूरा वाला ये वाला जो है ब्रैकेट है इसको हमें खोलना पड़ेगा, तो ये बगैर किसी देर के जी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और जी आपके भाई ने अब से बुला के जी वड्डी टूल किट बाहर निकाल दिया है, जब ये टूल किट बाहर आ गई ना तो इसका मतलब तो पैसा काम सीरियस हो गया। अब जी सबसे पहले हमने खोलने ये वाले तीन बोल्ट, तो जी ये होते हैं 14 के बोल्ट, 14 मतलब कि जी इनका जो हेड है ये 14 गोटी का होता है, तो जी इसमें 14 ही गोटी का है, तो ये है ये हमने चुकनी है, ये हमने इसको प्रेस करके लगानी है, ये चेक करनी है परफेक्ट फिट फॉर यू।
जी ये हमारा पूरा पूरा फ्रंट वाला ब्रैकेट बाहर आ चुका है। और जी मैं आपको जरा मैं टूटा हुआ बोर्ड चेक करवाता हूँ जरा। तो जी एक बार फिर से मेरा स्टाइल में दिस इज़ द बिकॉज भाई साहब ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं जरा टक टक टूक टूट मुक मुक लुक लुक टुक टुक की आवाज़ें आ रही थी। अब जी इसको बाहर निकालने के दो तीन तरीके हैं, अब जो मुझे आता वो मैं ट्राई मार ले आया हूँ। ये कहता जी जंगाल प्लस, और जिसको मैं जरा पकड़ के ना फुक मारने की कोशिश करता हूँ, शायद खुल जाए शायद ना खुले, तो ये बस ट्राई मारते हैं। ये चेक करो जी, और ये जी मिशन टूटा बोल्ट सक्सेसफुल। अब जी हमने करना क्या, तो इस तरह का बोल्ट लेके आते हैं कहीं से और फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे और जी सारा का सारा जो अमाउंट है मेन उसको हम वापस लगाएंगे। तो आइए इस बोल्ट की तलाश में खज्जल होते हैं। और जी अब हम मौजूद हैं जी अब्बा जी कैचर बी में चल ऐसी एंड 16 कैवरेज। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाई साहब हम इस टूटे बोर्ड की तलाश में जा रहे हैं, ये हमें कहीं से लाभ जाए। और जी पहली हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो पहली हमारी डेस्टिनेशन है जी उस्मान ऑटोस, जो कि बरकी रोड के ऊपर ही है। और जी उस्मान ऑटोस वो जगह जहाँ से मैंने अपनी एफएक्स तैयार करवाई थी। अब जी आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई साहब आपकी एफएक्स कैसी थी, तो जी मैं ज़रा आपको उसका नज़ारा करवाता हूँ। मैं ज़रा आपको अपनी एफएक्स की तीन चार तस्वीरें दिखाता हूँ, उन्हीं देर मैं ज़रा उस्मान ऑटो में पहुँचता हूँ, उन्हीं देर आप ज़रा मेरी एफएक्स के नज़ारे करें। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. ये हमने समान ऑटो से भाई साहब दो बोल्ट पकड़ लिए हैं, एक सही साइज का था उसके बराबर का, और जी दूसरा थोड़ा लंबा था उसके लिए जी हमने यहाँ पर स्टार्ट भी डाल दिया बीच में ताकि लंबा होकर भी बराबर बराबर हो जाए। अब जी ये तो हमने दो काबली बोल्ट पकड़े हैं ना यहाँ से, अब जी अब हम एक नया बोल्ट भी पकड़ेंगे सेफ होने के लिए कि हो सकता है इनकी जो चूड़ियाँ हैं इसमें हल्की हल्की स्लिप स्लिप नज़र आ रही हैं, तो अगर ये ना भी चलें तो जी फिर हम नया बोर्ड लगा के जी अपना काम टाइट करें। तो आइए भाई साहब अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि सलीम ऑटो, और वहाँ से जाके नया 14 का नवा फ्रेश बोर्ड लेके आते हैं। नया बोर्ड तो नहीं मिला हमें, लेकिन हमने खरादी से जाके इसको हमने लगवाया मूस। अब जी मूस क्या होता है, वो जो आपको वीडियो मैंने से पहले नहीं दिखाई जिसमें वो हेलीकॉप्टर की तरह इसके ऊपर घुमेर घुमेर हो रहा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बाराकॉप्टर बाराकॉप्टर जो हो रहा था वो हमने इसके ऊपर मारा। उससे होता क्या, जो आपके जो स्टडों की जो चूड़ियाँ स्लिप होती हैं वो जी एक बार फिर से चाको चौबंद हो जाती हैं। अगर आपको एक नया स्टड नहीं मिल रहा तो जी आपके पास आखिरी में दिए है कि आप जब उसके पास खरादी के पास जाएं और जी आप उसको मूस लगवाएं अपने स्टड को और जी उसको फुल टाइम चाको चौबंद कर दें। तो आइए घर जाके इस बोल्ट को फिट करते हैं और जी एफसी ब्लैक को भी फुल टाइम चाको चौबंद करते हैं। तो आइए भाई साहब बगैर किसी देरी के मेन ब्रैकेट की फिटिंग करते हैं। और जी हमारा जो भी सारा काम था वो सारा का सारा हमने खत्म कर दिया। हमने जी नया बोर्ड लगा दी, अच्छा करते हैं फुल टाइम जी टना टन चमक रहा है जी। और जिसके अलावा ये चेक जी फुल टाइम लकड़ हजम पत्थर हजम काम यहाँ पे हो गया और जी अब काम फुल टाइट है। उसके अलावा आपको ये चेक करवाऊँ तो ये चेक है जी मेरी बाँह यहाँ से ऐसे लाल हुई हुई है, ये देखें जी ऐसे लगा है जैसे मैं ना किसी बच्ची के पीछे कट शट मारे हूँ। तो भाई साहब ऐसा कोई काम नहीं है, ये जी अफशी ब्लैक के दुख लगे हैं। जब वो नट मैं कस कुस रहा था तो जी बार बार बाँह जाके इस जगह पर लगी और जी ये फुल टाइम जी हमारा काम यहाँ पे जी लालो लाल हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ओ अखा लाल रहती है कि जगह मेरी बाँह लाल रहती है। और जिसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खिताम को पहुँचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हबशी ब्लैक इन एंड आउट।